काम किए थे जब मुख्यमंत्री बने थे तो गया जिले के लिए काम किए थे। हमारे गहरावर घाटी जो है उनको अच्छा चमका दिए हैं बना के। चलने के लिए हम लोग सोचना पड़ता था, लेकिन अभी आज एकदम दिन दहाड़े निकल जाते हैं। एकादश के सामने अभी आके बोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब मोदी जी नहीं थे हम लोग घर से भी नहीं निकलते थे। चाहते हैं कि और जिता के और अच्छा काम करें, और महिला लोग के रोजगार थोड़ा दें कि हम लोग महिला लोग बैठे रहते हैं तो रोजगार थोड़ा करेंगे तो मदद होगा घर परिवार का। कह रहे हैं जीताराम मांझी जी से कि अगर इस बार जीते तो हम लोग पे ध्यान दें। अच्छा, आप लोग को ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान कार्ड से फायदा हुआ है? हाँ, फायदा है। हाँ, बहुत फायदा है। मेरा बच्चा को पथरी है तो उसका ऑपरेशन भी होने वाला है आयुष्मान कार्ड से ही। तो सरकार इतना फायदा हम लोग के क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग उनके लिए क्यों नहीं करेंगे। नमस्कार, मिस कॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ धीरज सिंह। गया में हमारी मौजूदगी है और गया में 19 अप्रैल को वोटिंग होना है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस बार जीतन राम मांझी जो कि NDA के उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे या फिर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कुमार सर्वजीत उन पर भरोसा करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, देख सकते हैं कि भारी संख्या में, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ पहले तो आपका? सारिका कुमारी उर्फ सारिका वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि 19 अप्रैल को आपके यहाँ वोटिंग होना है, किसको वोट दीजिएगा इस बार? इस बार हम पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी जो NDA के प्रत्याशी हैं गठबंधन सरकार के, उनको वोट करेंगे कड़ाई छाप पे। काहे उन पे इतना भरोसा क्यों है आप? क्योंकि वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हमारे गया जिला के लिए, वो गया जिला के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भरोसे पर हैं कि हमारे जिला के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इससे पहले जब उनको मौका मिला था तो काम किए थे वो? हाँ, काम किए थे जब मुख्यमंत्री बने थे तो गया जिला के लिए काम किए थे। हमारे गहरावर घाटी जो है उनको अच्छा चमका दिए हैं बना के। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? पूजा हुआ। पूजा नाम हुआ, ये बताइए किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम भी तो देंगे जीतनराम मांझी को। जीतनराम मांझी को? हाँ। काम किए हैं गया के? बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग भी और चाहते हैं कि और जिता के और अच्छा काम करें, और महिला लोग के रोजगार थोड़ा दें कि हम लोग महिला लोग बैठे रहते हैं तो रोजगार थोड़ा करेंगे तो मदद होगा घर परिवार का जी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार वोट आप किसको, मतलब मोदी के नाम पे दे रहे हैं कि जीतनराम मांझी को दे रहे हैं? ऐसे तो हम लोग का मोदी की ही देना है, नरेंद्र मोदी है जो जी। महिलाओं के लिए काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं, उनके अलावा तो कोई काम नहीं किया है। अच्छा। हाँ, बहुत हम लोग के बहुत सुविधा भी मिला है महिला लोग के। अच्छा। और मैं कुछ नहीं, धन्यवाद। 10 साल से वो प्रधानमंत्री है, उनके कार्यकाल में आपको पर्सनल लेवल पे फायदा हुआ है? देखिए, फायदा ऐसे तो नहीं हुआ, बाकी हम लोग बहुत उनका रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छा भी हैं, काम भी महिला लोग के भी करते हैं, या पुरुष हो या महिला हो, देश के लिए तो बहुत अच्छे बिहार के लिए कर रहे हैं। पहले तो महिला लोग चाहे पहला तो शौचालय पास किए हैं, सभी को मिला है। हाँ, महिला लोग का हम लोग का जीविका चल रहा है, उससे भी हम लोग का फायदा है। हम लोग थोड़ा सा बेरोजगार हैं अभी, इसलिए कह रहे हैं जीताराम मांझी जी से कि अगर इस बार जीते तो हम लोग पे ध्यान दें। अच्छा, आप लोग को ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना चाहिए। अभी तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे लोग को भी स्कूल में अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे लोग को भी पैसा उसा दे रहे हैं, ड्रेस के लिए, कॉपी किताब के लिए, सभी चीज़ के लिए दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजू देवी हुआ। आप यहीं की गया की हैं? गया के ही रहने वाले। 19 तारीख को किसको वोट दे रहे हैं? हम तो जीताराम मांझी जी को वोट। मांझी जी को ही? जी। क्यों, मांझी जी और मोदी पूरा भरोसा है आपको? हाँ, पूरा भरोसा है। अच्छा। और आगे भी भरोसा रहेगा। अच्छा, इससे पहले भी मांझी जी को कई बार मौका मिला तो काम किए हैं? हाँ, काम बहुत अच्छा काम किए हैं, काम करते रहे, काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा काम, लेडीज लोग को रोड पे चलने के लिए हम लोग सोचना पड़ता था, लेकिन अभी आज एकदम दिन दहाड़े निकल जाते हैं। एकादश के सामने अभी आके बोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब मोदी जी नहीं थे हम लोग घर से भी नहीं निकलते थे, तो बड़ा दिक्कत था। हाँ, बहुत दिक्कत था। अभी एकदम निफिक्र है हम लोग, इसलिए मोदी जी का सपोर्ट पूरा रहेगा। तो फिर अगर मोदी जी जीतते हैं, जीतनराम मांझी जीतते हैं, तो क्या उम्मीद कीजिएगा उनसे काम का? और जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा हम लोग उम्मीद लगाते हैं, लेडीज का सम्मान सबसे बहुत जरूरी है। हाँ, जो सम्मान करेगा लेडीज का उसका तो हम लोग सब दिन सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सोनम कुमारी नाम हुआ। आप यहीं की हैं? हाँ, गए के हैं। अच्छा, ये बताइए कि 19 तारीख को किसको वोट दीजिए? हम जीताराम मांझी को देंगे, मोदी सरकार को देंगे, वही कढ़ाई छाप पर देंगे। कढ़ाई छाप पर दीजिए? हाँ। क्या कारण है? हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, महिला है, हम लोग को सपोर्ट करते हैं, अच्छा है, थोड़ा रोजगार है तो उसी के लिए
थोड़ा उन लोग उनको से मांग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग मतलब इस बार अगर वो जीते हैं तो आप लोग रोजगार के लिए डिमांड कर रहे हैं। हाँ, डिमांड कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुषमा देवी। सुषमा देवी, ये बताइए मांझी जी को दे रहे हैं या कुमार सर्व जी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनको वोट दीजिए? नहीं, हम मांझी जी को दे रहे हैं। मांझी जी को दीजिए। हाँ, क्या कारण हो, काम किया है? देखिए, नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किए हैं। जब हम लोगों के पास इतने समय से राशन भी नहीं था तो उस समय लॉकडाउन में हम लोग के पास हर व्यक्ति हर अथी को राशन कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। अभी मेरा बच्चा को भी ऑपरेशन होने वाला है आयुष्मान कार्ड से, तो वो इतना अच्छा भी कर सकते हैं, तो वो उनका बैठाया हुआ थ्रू वो और भी अच्छा कर सकते हैं हमारे लिए। आयुष्मान कार्ड से फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा है। हाँ, बहुत फ़ायदा है। मेरा बच्चा को पथरी है तो उसका ऑपरेशन भी होने वाला है आयुष्मान कार्ड से ही, तो सरकार इतना फ़ायदा हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग उनके लिए क्यों नहीं करेंगे। मतलब एकदम 19 तारीख को मोदी और जीतन राम मांझी जी को 4 नंबर पे बटन दबाना है और मोदी सरकार और जीतन मांझी को जिताना है। राशन को लेकर क्या बोल रहे थे? हम राशन भी फ्री कर दिए हैं हम लोग के, महिला पेंशन के लिए हैं, थोड़ा तो अच्छा है, हम लोग को बढ़िया लग रहा है इसीलिए। हाँ हाँ, गरीब लोग को से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है राशन के लिए, यही बोलना चाहते हैं। कुछ और महिलाएँ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। गया कहीं है आप? गया जी। ये बताइए, 19 तारीख को गया में वोटिंग होना है, किसको वोट दीजिएगा? कढ़ाई छाप जीतन मांझी को। कढ़ाई छाप पे दीजिएगा? काम किए हैं, भरोसा है उन पे पूरा? अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं कि अगर फिर से वो जीतते हैं, इस बार सांसद बनेंगे गया से, तो क्या उम्मीद कीजिएगा, क्या काम होना चाहिए? उम्मीद यही कर रहे हैं कि मेरे घर में एगो बड़ा लड़का विकलांग है, हम गरीब आदमी है, थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, तो विश्वास है कि वो जीत के आएंगे? हाँ, विश्वास का है मोदी का। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आरजेडी के लोग भी दावा कर रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव भी यहाँ आएंगे, तो उनके भी बात को आप लोग सुनेंगे कि केवल मोदी को ही वोट दीजिएगा? ऐसे तो सुनना ही हम लोग का है, जब वो लोग भी आएंगे तो उन लोग का भी बात सुनना है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कि नहीं सुनेंगे, लेकिन दोनों दाने का बात रखना है। लेकिन ये तो मेरा मन का है, ये हमारा जहाँ मन रहेगा वहीं वोट देंगे। तो आप लोग का मन एकदम क्लियर है? हाँ, मोदी को जिताना है तो जिताना है, मोदी को जिताना जिताना है। महिलाओं के लिए लोग काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। अब आशा भी है कि आगे का काम करेंगे, गरीब पर ध्यान देंगे। जो छूटा हुआ काम है जो मोदी जी फिर करेंगे मोदी जी, विश्वास। हाँ, और यहाँ से जीतन मांझी जो रहेंगे तो अगर हम लोग को कोई चीज का दिक्कत होगा जीतन मांझी जी के घर पे आएंगे, तो उम्मीद है मदद करेंगे। हाँ, मदद करेंगे। महिलाओं को महिलाओं का पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है महिला लोग के, पूरा हम लोग सपोर्ट मोदी जी को करते हैं कि जो पहले कर चुके हैं अब जीतने के बाद भी वो कर सकते हैं महिला लोग के लिए। तो आपने सुना, ये तमाम महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी 19 अप्रैल को जो गया में वोटिंग होना है वो किस पर भरोसा जताएंगे और किसको इस बार अपना सांसद यहाँ से बनाकर भेजेंगे। गया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।